మంచిర్యాల జిల్లా శ్రీరాంపూర్ ఏరియాలోని ఎగ్ పార్క్ పనులకు కేంద్రం బొగ్గు గన్లు మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి అమృతలాల్ మీనా సింగరేణి సిఐఎండి బలరామ శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం ఉపరితల బొగ్గు గని ఆవరణంలోని మొక్కలు నాటారు. తర్వాత శ్రీరాంపూర్ సింగరేణి ఉపరితల గని ఆవరణంలో ఏర్పాటు చేసిన సింగరేణి ఎకో పార్క్ పనులను ప్రారంభించారు. సింగరేణిపై ఆధారపడి చాలా మంది నివసిస్తున్నారని, ఆహ్లాదాన్ని పంచేందుకు సింగరేణి ఏర్పాటు చేసిన పార్కులు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని అమృతలాల్ మీనా అన్నారు. ఈ ఏడాదిలోగా ఈ పార్కు నిర్మిస్తామన్నారు. इस तरह का लैंड को रिपर्पज करके हमें लॉन्ग टर्म इको पार्क बना देना चाहिए ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके, बच्चे दिन में खेल सके और लोग सुबह शाम मॉर्निंग वॉक कर सके, एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट हो सके. कई लैंड ऐसी होती है जो कि बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं, तो उन वाटर बॉडीज में हमें यूज करना चाहिए कि वहाँ पर क्या हम फ्लोटिंग सोलर फैसिलिटी डेवलप कर सकते हैं. कहीं हो सकता है कि बड़ी वाटर बॉडी के बगल में ऊँचा माउंटेन हो तो वहाँ पर हम पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट बना सकते हैं. वाटर बॉडी जो ग्राउंड रिजर्वायर हो गया और हाइट पर एक दूसरा रिजर्वायर बना दें, आसपास की खाली जमीन में सोलर बना दें और हाइड्रो प्लांट बना दें, तो उससे क्या फायदा होगा कि दिन के समय में जब सोलर आवर्स है तब सोलर से उस पानी को उठा करके अपर रिजर्वायर में रख दिया जाएगा और रात का जो ऑफ सोलर आवर है उस समय उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके ग्रिड को सप्लाई की जा सकती है और उससे जो स्टोरेज की प्रॉब्लम है देश के सामने उसका हल किया जा सकता है. हमने चेयरमैन साहब को ये रिक्वेस्ट किया है, सभी डायरेक्टर्स को, कि हमें देखना चाहिए कि सिंगरेणी के इलाके में कहाँ इस तरह की वाटर बॉडीज है जहाँ पर अच्छा स्टोरेज है और हेड अवेलेबल है और उसको हमें डेवलप करना चाहिए, चाहे खुद करे कंपनी, चाहे प्राइवेट सेक्टर को कर करके रेवेन्यू शेयरिंग बोर्ड पर करे, लेकिन इसको करना चाहिए. कोल इंडिया ने भी लगभग 20 ऐसी साइट्स आइडेंटिफाई करके उसका फिजिबिलिटी पर काम चलता है.